डैड आज इस हालत में आपकी वजह से नहीं है, मेरी वजह से। नहीं, मैंने आप लोगों को फोर्स किया होता इस आप को संभालने के लिए आप लोग पाकिस्तान आए, आज ये दिन देखना पड़ता। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरे सबकी जिंदगियों का सुकून छीन लिया है। जो कुछ होना था वो हो गया मुराद। अब इस बात को बार बार सोचिए, खुद को परेशान मत करो। कैसे परेशान ना करो, डैड की हालत मुझे देखी नहीं जा रही। डैड जैसे ही ठीक हो जाते हैं आप उन्हें अपने साथ वापस अमेरिका ले जाइएगा। ना मुझे लगता है मेरी बदकिस्मती आप लोगों की खुशियों को भी खा जाएगी। मैं इस घर को और तुम्हें उस मक्कार लड़की के हवाले करके हरगिज नहीं जा सकती। मेरे सामने वो इतना कुछ कर रही है, मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या कुछ नहीं करेगी। उस लड़की के मकासद जानने के बाद तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती मुराद। उसके साथ माँ हूं तुम्हारी, तुम्हारी और इस घर की कैसे हिफाजत करनी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। डॉक्टर ने कहा है ना कि वह खतरे से बाहर है, मत हो उनके लिए परेशान, सब ठीक हो जाएगा। आज इतनी इनसिक्योर क्यों फील कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस निमल ने एक किस्सा सुनाया था। क्या? निमल की एक फ्रेंड है जिसके हस्बैंड ने अपनी पहली बीवी से छुपकर दूसरी शादी कर ली, और जब तक राज नहीं खुला उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, वो तो बहुत बड़ा इंसान था, बहुत महान इंसान, बहुत ही समझदार था। मुराद, आपको किसी मर्द की बेवफाई समझदारी लग रही है? एक बात आप याद रखें मुराद, आप मेरे अलावा किसी और का हक हो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी।